नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से जो है घर पे तिल और गेहूं के आटे के लड्डू बना सकते हैं। तो इसको बनाना है बहुत ही आसानी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने तिल लिए, सफ़ेद तिल। तिल दो तरह के आते हैं, काले और सफ़ेद। और उसके अलावा गेहूं का आटा लिया है, और हमने तो ये कटोरी जितना लिया है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उतना ही जो है हमने गेहूं का आटा लिया है। खाली कटोरी थोड़ी सी बड़ी है, अदरवाइज ये दोनों सेम जितना ही लिया है। और उसके अलावा हमने एक कटोरी से थोड़ा कम घी लिया है, एक कटोरी से थोड़ा कम जो है पाउडर चीनी लिया है, और ये हमने पिस्ते काजू बादाम को काट के तैयार कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स हमारे सब। तो इसको बनाने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए, और उसके अलावा और कोई चीज़ ड्राई फ्रूट आपको ऐड करने हैं, जैसे चिरौंजी है, तरबूजे के बीज है, या तो अखरोट है, अंजीर है, आप सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, किशमिश है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो तिल को थोड़ा सा हम भून लेंगे, तिल को जो है अच्छे से चलाते हुए भुनेंगे, और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी, थोड़े से हल्के फूल जाएंगे, जिससे पता चल जाता है ये तिल जो है हमारे अच्छे से सीख चुके हैं। और इसको ज़्यादा नहीं सीखना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। गैस को थोड़ा सा धीमा रखें, अच्छे से भून चुके हैं। गैस को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, और इसमें से जो है अब आधे से थोड़े से ज़्यादा जो है उसको हम मिक्सर के अंदर पीस लेंगे, और बाकी जो है ऐसे साबुत रखेंगे उसको। उससे जो है टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़े से बचा के रखेंगे तिल को, बाकी के तिल को मिक्सर के अंदर पीस लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने दर दरा कूट पीस लिया है इसके अंदर, मिक्सर के अंदर, और बाकी थोड़े से हमने ये सेके हुए जो तल है तिल उसको बचा के रखे हैं। और अब जो है गैस हम स्टार्ट करते हैं, उस पर बर्तन लगा देते हैं। और घी डाल देंगे, और गेहूं का आटा जो है हमारा वो भी इसमें डाल देंगे। इसको जो है हमको अच्छे से सेकना है, थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक।
और घी डाल देते हैं, गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है गेहूँ का आटा। और अब जो है इसके अंदर हम तिल डाल देंगे, तिल का जो दर दर मिक्सर में पीसा हुआ हमारा जो मिश्रण है उसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये जो साबुत थे तिल उसको भी डाल देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। और इसके अंदर पाउडर चीनी जो थी उसको भी हम मिला देते हैं।
बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी हम मिला देते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा और घी हम मिला देते हैं जिससे कि लड्डू बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब इसको जो है थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं और उसके बाद एकदम ठंडा नहीं होने देंगे नहीं तो लड्डू फिर बंधेंगे नहीं, तो थोड़े थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हल्का जिससे कि इसको हम छू सके और लड्डू बांध सके फिर लड्डू बांधते हैं। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है इसको हम छू सकते हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो चुका है एकदम ठंडा हो इसको ना होने दें नहीं तो फिर इसके जो है लड्डू नहीं बन देंगे फिर आपको चम्मच से ही खाना पड़ेगा। इसको जो है ऐसा गर्मा गर्म है तो इस तरह से हाथ में घुमाते हुए क्योंकि बहुत गर्म ऐसे तो है ही थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम मस्त गोल जो है बन गया है और थोड़ा सा ये अभी ढीला लग रहा है पर एकदम ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा जम जाएगा क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो घी जो है वो जम जाता है। इसको जो है इसी तरह से हम सारे लड्डू बांध लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तिल और आटे के ये लड्डू जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इसको बनाने में अंदाजित आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है। अगर सभी चीज़ें तैयार है थोड़ा सा प्लानिंग से करेंगे तो ये फटाफट बन जाते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तिल से बनी हुई बहुत सारी वैरायटी होती है जो सर्दियों में खाई जाती है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही है। तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आप बूढ़े लोग जो होते हैं उनको भी ये खिला सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें।